अल्लाह मियाँ, what's wrong with Mr. Six Pack app? मैं कुछ भी करती हूँ उसमें नुक्स निकाल देते हैं, हर बात में नुक्ता चीनी। उनके लिए तो कोई जान भी दे देना, तब भी कहेंगे ठीक से नहीं थी, दोबारा से लेके दिखाओ। जब भी देखो बस घुर्राते ही रहते हैं, ये यहाँ क्यों रखा है, वो वहाँ क्यों रखा है, ये साफ नहीं है, ये यहाँ कैसे पड़ा है, बस कुछ भी चलता फिरता क्वेश्चन मार्क। अब घर में ये अलार्म सिस्टम मैंने कुछ सोच के ही लगाया है ना घर की सेफ्टी के लिए, पर नहीं उसमें भी खुश नहीं है। जब कोई चोर घुसाएगा ना घर में फिर पता चलेगी मेरे अलार्म की वैल्यू। चोर हे, कहाँ हो तुम? हाँ बच नहीं सकते मुझसे, पेपर स्प्रे लेके आई हूँ मैं, बाहर निकलो। कोई नहीं है यहाँ। नो no, कोई था मैंने देखा कोई है। कोई नहीं है यहाँ, मैं अपने कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था। और ये कुछ प्लीज शट दिस ऑफ। ओके उसे बंद ही रखिए। और अगर कोई चोर आ गया तो? जब तक मैं यहाँ हूँ मैं इस घर की हिफाजत कर सकता हूँ, आपके इस अलार्म सिस्टम की जरूरत नहीं है हमें। और अगर आप घर पे नहीं होंगे तो? तब आप इसे ऑन रख सकती हैं। But only when I'm not at home, okay? Okay. आप मेरे कमरे से जाने की जहमत करेंगे तो आई कैन ट्राई एंड स्लीप। ओके। और आइंदा मेरे कमरे में बिना नॉक किए या बिना परमिशन के मत आइएगा प्लीज। ओ हाँ ओके गुड नाइट, स्लीप वेल। गुड नाइट। अल्लाह मियाँ, ये आवाज कैसी थी? स्टैटिस्टिक्स भी यही बताते हैं, जिस दिन घर में अलार्म बंद हो ना उसी दिन चोर आते हैं। नो, इन जोया के होते हुए कोई चोरी नहीं कर सकता। अल्लाह मियाँ, मेरा पेपर स्प्रे लेके आती हूँ। अल्लाह मियाँ, जहाँ पना के रूम में चोर। भाई सॉरी। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे मिस्टर सिक्स पैक के रूम में जाते हुए देखा है। सोया, कोई चोर नहीं है। अब सुबह से चोर और अलार्म की बातें कर रही है, इसलिए आपको वहम हो गया है। I'm serious. मैंने देखा है खुद अपनी। देखो, मम्मी के सर में दर्द है, आप भी जाके सो जाइए। और वैसे भी अगर हम भाईजान के कमरे में फिर से गए ना वो हमें मार डालेंगे। गुड नाइट।
मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या बात है, इतनी रात को क्यों आए हो? भाई आप ही ने तो कहा था ना कि हमें किसी के सामने मिलना नहीं चाहिए। आयान तुम इतने परेशान क्यों हो? भाई अप्पू और अम्मी के बीच में कुछ गड़बड़ है। आज दोनों काफी परेशान थे और भाई आज अम्मी रो भी रही थी। बैठो मेरी बात सुनो। आयान माँ बाप को हमेशा माँ बाप की तरह देखते हैं। हम भूल जाते हैं कि माँ बाप होने से पहले इंसान है और इंसान परफेक्ट नहीं होते। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी तकलीफें होती हैं और हर मियाँ बीवे के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो सॉल्व हो जाती हैं। इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। लेकिन भाई मैं अपनी अम्मी को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। काश कि मुझे इस बात का इल्म हो कि उन्हें किस बात से तकलीफ है। तो कुछ बातों का ना पता होना ही बेहतर होता है। लेकिन भाई अगर हम अब्बू और अम्मी की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो करेगा जो सबकी मदद करता है। तुम फिक्र मत करो। पहचान मैं भी यही दुआ करता हूँ कि अब्बू और अम्मी के बीच में जिस वजह से दूरियां आ रही हैं वो वजह ही दूर हो जाए और मेरे अब्बू और अम्मी के बीच में कोई भी नहीं है। आज तो सिर्फ मैं बोल रही हूँ, कल सारी दुनिया बोलेगी। पूछो अपनी अम्मी से, राशिद मियां का हाथ पकड़कर वो यहाँ क्या कर रही थी। तुम तो हम पर एक एहसान करो। अरे क्यों इस बेचारी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो? उनके बीच कोई नहीं आ रहा है। अल्लाह करे आपकी बात सच हो भाईजान। मिस्टर खान, अल्लाह मियां, तेरे जहां पर आपको चोर ने पकड़ लिया है। बंद कीजिए और अपने कमरे में जाइए। यहाँ कोई नहीं, इस घर में कोई नहीं आया। आप हमेशा मुझे इतना लाइटली क्यों लेते हैं? ट्रस्ट मी, आई एम सीरियस, मैंने देखा है उसे। आपको जो मैं कहता हूँ आपको समझ नहीं आता? प्लीज अपने कमरे में जाइए, यहाँ कोई नहीं। और मैंने आपसे क्या कहा था, मेरे कमरे में आने से पहले नॉक कीजिएगा। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अगर मैं नॉक करती तो चोर अलर्ट नहीं हो जाता? इसी बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। प्लीज लीव माई रूम, अपने कमरे में जाइए। लीव नाउ। पेपर स्प्रे। जाइए।
ये कौन थी? अम्मी के किसी जानने वाले की बहन है, इसलिए कुछ रोज हमारी मेहमान, अल्लाह जाने कब जाएगी यहाँ से। भाई लोग लड़कियों के आने का इंतजार करते हैं और आप है कि उनके जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये लड़की नहीं है, आफत है। तुम्हें यहाँ देख लेती ना तो पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देती। मैं तो दूर ही रहता हूँ इनसे। भाई आपको पसंदीदा क्या हो गया? मेरा इंट्रो करवा दो। अगर तुम चुपचाप यहाँ से गई नहीं ना तो तुम्हारा इंट्रो मैं इससे कराऊंगा। सॉरी भाई, मुझे इस मुक्का अहमद खान से मिलने की कोई आरजू नहीं है। जहाँ पर आके रूम में कोई तो था, बट अगर कोई था तो वो छुपा क्यों रहे थे? अल्लाह मियाँ, जहाँ बना सिक्स पैक की गर्लफ्रेंड, लंबी चौड़ी गर्लफ्रेंड ढूंढ लिया जहाँ बना ने अपने लिए। तभी अलार्म सिस्टम लगाने से डर रहे थे कि गर्लफ्रेंड बिना रोक टोक क्या सके। जी मैंने कहा गुड मॉर्निंग। बाजी 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 बाजी, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अपना लैपटॉप दीजिए ना। वो एक्चुअली मेरा कंप्यूटर फॉर्मेट हो रहा है और मुझे बहुत अर्जेंट ईमेल करना है। तो नुजत, सॉरी नुजत, मैं एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ ना, तो थोड़ी देर में दे दूंगी, ठीक है? ओहो, बहुत सुबह सुबह अयान भाईजान चैट कर रहे हैं और यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट करना है। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से अपना काम खत्म करके मुझे दे दीजिएगा। जी ठीक है। जी मैंने कहा गुड मॉर्निंग। ओए होए, स्माइल दे रही हो जानेमन। बेशर्म। मेरा बेगम, इसे बेशर्मी नहीं प्यार कहते हैं। आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मिलोगी तो पता चलेगा कि 100% सच बोल रहा हूँ। जनाब मजनू साहब, हम अभी आते हैं आपके कमरे में। अबे अब क्या करूँ यार? अरे उसे कहीं और मिलने बुला, कहीं वो यान के कमरे में ना चली जाए। जी कमरे में नहीं, आज ताज गार्डन में मिलते हैं। आएंगी? क्या हुआ, आप डेट पर नहीं आना चाहती? डेट? जी डेट। इसमें लिखा है कि इस महीने आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रोग्रेस होगी। ओके। और सुनिए, मेरे मनपसंद रंग की ड्रेस पहन के आइए। आप चाहते हैं कि मैं लाल कलर का ड्रेस पहन के आऊं? जी बिल्कुल सही। उफ, अयान मियां ना, दिल में कितनी बातें रखते हैं। पहली बार दिल की बातें जुबान पे लेके आए हैं। क्या ये बात सही है? हम उन्हें कुछ नहीं बताएंगे, जो कुछ बताएंगे वही उन्हें बोलने दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं आप लोग? ठीक हो। हमें लगा कि आप निकाह की तैयारियां शुरू करें, इससे पहले कुछ जरूरी बातें आपको बतानी थी, बस इसीलिए बुला भेजा। हमें पता था आप हमें बुलाएंगे। सुनकर बड़ा अफसोस हुआ रजिया भी, लेकिन ये सब तो अल्लाह के हाथ में है। और देखो तो कितना बड़ा दिल है रजिया भी का, इतना कुछ हो गया फिर भी उनकी आंखों में एक आंसू नहीं है। ए, रोए मेरे दुश्मन, हुआ क्या है? आप किस बारे में बात कर रही हैं? हमें पता चल गया है रजिया भी। क्या पता चल गया है? यही कि आपकी बांजी निखत और हसीना बी के बेटे इमरान का रिश्ता टूट गया है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये क्या बकवास कर रही हैं आप लोग? जमाने में ऐसे हजार दुश्मन होते हैं जो इस तरह की अफवाह फैलाते रहते हैं।
ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। माफ कीजिएगा रजिया भी, हमने तो जो देखा तो यही लगा। साफ साफ बोलो क्या हुआ है। कल सराय रहमान वाले हकीम साहब जी की बेटी की शादी थी, वहाँ हमारा इंतजाम था। वहाँ हसीना भी अपने बेटे इमरान के लिए रिश्ते की बात कर रही थी। कितने बड़े कारोबारी है फैजी साहब, ऊंचा खानदान है, कि उन्हीं के घर इमरान मियाँ के रिश्ते की बात हो रही थी। अब उन्होंने तो दो दो गाड़ियां भी भेजने की इमरान के लिए बात कर दी। या अल्लाह, ये हसीना कर क्या रही है। माफ कीजिएगा रजिया भी, हमने तो जो कुछ देखा वही आपको बता दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सुनने में धोखा हुआ है। ये रिश्ता टूटा नहीं है, सब ठीक है। आप तो कल आके एडवांस लेके जाना। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हसीना, कैसी हो हसीना। ये हम शाम को 5 बजे आ रही हो, सबको बुला के रखूं, जरूरी बात कर। हाँ लेकिन हसीना ऐसा क्या हुआ है, शाम को ही बताओगी। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये हसीना को क्या हो गया, शाम 5 बजे आने की बात क्यों कर रही है। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि असद का इस घर से क्या रिश्ता है। ये अल्लाह, कहीं वो रिश्ता तोड़ने तो नहीं आ रहे। अगर ऐसा है तो उसे खामोश रखना बहुत मुश्किल होगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। How to cure depression? I wish इससे जिले इलाहे के डिप्रेशन को दूर करने के लिए कोई रेमेडी मिल जाए। Oh my God, इतनी सारी? Wow, ये सर्च इंजन बनाने वाले के दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें कल शाम को ही बोल दिया था, इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, हम सेम चीज कितनी बार डिस्कस करेंगे। अम्मी यहाँ है, नजमा यहाँ है, मैं इंडिया छोड़कर नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं, एक महीने के लिए भी नहीं। लगता है उसी लड़की से बात कर रहे हैं जहां अपना सिक्स पैक्स। देखते हैं कि आखिर इनकी लव प्रॉब्लम है क्या। It's not possible. I'm sorry, Elena. ये नहीं हो सकता। Elena, I'm really sorry. This is not going to work out at all. Elena? वाह जोया, क्या सही गेस किया तुमने। कोई गोरी गर्लफ्रेंड है जहां पना की। असद अहमद खान विद अलीना। नो, अलीना अहमद खान। वाओ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? No, I'm absolutely fine. आप मेरा फोन कॉन्वर्सेशन सुन रही थी? Thank you.
अल्लाह मियाँ, अब मुझे पता चला दिल्ली इलाही की प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतना चिड़े हुए रहते हैं, हमेशा इतने गुस्से में रहते हैं। इन्हें तो टीएलसी की बहुत जरूरत है, टेंडर लविंग केयर। ओह प्लीज, नो मोर डिप्रेशन रेमेडी, ही इज इन लव।